जिम्मेदारी नागरिक बनिया। निभाए अपनी जिम्मेदारी, NSSO को दे आंकड़ों की सही जानकारी। चश्मा कहाँ है? कहाँ रखा था मैंने? अब बस तो कोई फिक्र नहीं। एक चीज मैंने सीखी है, जब अपनों का साथ हो तो फिक्र क्यों। आप ही से मिली सीखों को अपनाकर हम बनाते हैं हमारे इंश्योरेंस सॉल्यूशंस, ताकि आप जिए बेफिकर। SMS कीजिए लाइफ 56070 पर या लॉग ऑन कीजिए bajajalliance.com पर। बजाज अलायंस, जियो बेफिकर। ये छूटा तो आप खुद को माफ नहीं कर पाएंगे। प्री बजट कीमतों पर टाटा कार पाने का आखिरी मौका, साथ में 40,000 रुपए की बचत भी। जल्दी कीजिए। स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे इस खास चर्चा में। दिन भर खूब पढ़ाई करने वाले हमारे बच्चे कुछ नहीं सीख रहे हैं, ऐसा कुछ सर्वे से निकलकर सामने आया, और हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कहां पे क्या कमी रह गई है, क्या टीचर में, सिलेबस में, स्कूल में कहां पे क्या कमी है। और हमारे एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि टीचर्स का रोल इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, और बच्चे ने सीखा या नहीं सीखा यह टीचर पर डिपेंड करता है। मिस्टर कपूर, ये बताइए कि टीचर का परफॉर्मेंस क्या अप्रेस किया जा रहा है और कैसे किया जाना चाहिए? बहुत बढ़िया सवाल है। इसका कोई आज तक दुनिया में किसी ने कोई ठीक सा जवाब नहीं दे पाया है, क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि टीचर्स की परफॉर्मेंस उनके बच्चों की परफॉर्मेंस के ऊपर ही होती है। मैं भी मानता हूं कि अगर टीचर जो कुछ कर रहा है और बच्चे उससे आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो फिर टीचर का सब जो इनपुट है वो बेकार गया। पर अगर हम लोग खाली बच्चों के मार्क्स से टीचर को असेस करें तो ये तो बहुत गलत बात है, क्योंकि कई चीजें ऐसी होती हैं जो टीचर सिखाती है जो डायरेक्टली मार्क्स में कन्वर्ट नहीं होती हैं। पर और ये अगर टीचर किसी बच्चे को 20% से 40 तक ले जाए, उसका जो एफर्ट है वो क्या कम है जिससे कि जो किसी को 60 से 80 तक ले जाए? मुझे लगता है कि जो 30 से 50 पर ले जाए उनका एफर्ट जास्ती होगा। पर हमारा असेसमेंट का माइंडसेट ऐसा है कि जितने बच्चे 80 से ऊपर आते हैं उतना हम लोग पॉजिटिव पॉइंट टीचर को देते हैं। तो टीचर असेसमेंट जो है जरूरी है, ये मैं नहीं कहता हूं कि जरूरी नहीं है, पर उसका कोई अभी तक मुझे परफेक्ट सोल्यूशन नहीं मिला। एक कॉम्बिनेशन होना तय होता है कि अगर आप टीचर अपने आप को सेल्फ असेस करे, अपने आप के लिए टारगेट्स सेट करे और देखे कि मैं ये टारगेट्स जो मैंने अपने लिए बनाए हैं, जिसको अपने बच्चों को सेंटर में रखते हुए टारगेट बनाए हैं, वो मैं टारगेट अचीव कर पाई हूं कि नहीं, तो हर तब वो असेसमेंट में कुछ दम है। अगर ये असेसमेंट खाली बाहर से है और खाली बच्चों के ग्रेड्स के ऊपर है तो उसका कोई मुझे उससे कुछ फायदा नहीं लग रहा। जी मानस, मैं यहाँ पर आपस आना चाहूंगी, क्योंकि आपका एक आर्टिकल मैंने पढ़ा था जिसमें आपने बहुत इंटरेस्टिंगली पॉइंट आउट किया था कि स्कूल में जो पढ़ाया जा रहा है अगर उसमें कॉर्पोरेट क्षेत्र भी थोड़ा सा हिस्सा लेने लगे, अगर वो अपनी तरफ से कुछ इंडिविजुअलाइज्ड टेस्ट्स या फिर कुछ सिलेबस में हेल्प करने लगे तो बच्चे वहां से तैयार होकर निकले, शायद बच्चे मोटिवेटेड भी निकले कि मैं कल को ये वाली कंपनी या फिर इस वाले सेक्टर में घुसना चाहता हूं, मैं इसके लिए पढ़ाई करना शुरू कर देता हूं। ऐसा मैंने नहीं कहा था, लेकिन पहले आप इसके पहले जो आप बता रही थी कि लोगों की उम्मीद एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम एजुकेशन अलग अलग हैं, वैसा नहीं है। हाल में सब लोग वही चाहते हैं कि बच्चे पढ़ लिख कर बड़े हों और सोचे अपने आप पे, अपने पैरों पे खड़े हों, नौकरी करें, अच्छी नौकरी करे, ये भी है। अच्छी नौकरी का भी कोई मतलब है कि जहाँ पे बॉस उसकी दादागिरी नहीं करे, एक एनवायरनमेंट अच्छा बनाओ, कल्चर्ड बनाओ। हम लोग चाहते बहुत कुछ है, होता कुछ डिस्कनेक्ट क्यों है? अगर आपने सीखा है तो आपका करियर बेटर होगा। नहीं, वो नहीं सीखा है क्या? वो हम लोग तमीज नहीं सिखाते हैं। हमारे देश में हम लोग अच्छी गाड़ी परदेशी गाड़ी लेके आते हैं, लेकिन ड्राइविंग करने वाले को तमीज नहीं सिखाते हैं। प्रॉब्लम वहां होती है। और जो आप बोल रहे हैं ना, आप देखिए ना, आप कितनी बार फॉरेन कार लेके दरवाजा खुलता है और उसमें से थूक लेता है वो, और जिस तरह से रैश चलाता है उसकी कोई हद ही नहीं। प्रॉब्लम वो है, मैं ये कह रहा हूं कि कॉर्पोरेट्स हो या जो भी हो, ये जाहिर करे कि हम चाहते क्या। अगर मनीष जी से आप बात करें तो वो कहेंगे आई वॉन्ट समबडी हु हैज बेसिक सॉफ्ट स्किल्स।
कि पढ़ सके, जो पढ़ाए उसके ऊपर कुछ विचार कर सके, मैंने अगर इंस्ट्रक्शन दिया तो वो सोच सके और अपना काम कर सके। अगर ये भी छोटी चीज अगर हम लोग करने के लिए काबिल कर रहे, कॉन्फिडेंस हो लो बच्चों में, ये अगर पैदा करता है तो जैसे अभी जो पूरी साहब कह रहे थे वैसे कि टीचर का असेसमेंट बच्चे के परफॉर्मेंस से कब होगा, जब क्लासरूम में आप जाते हैं ना और बच्चों के टीचर के टीचर के बीच में जो संबंध है उसको देखते उस पर असेसमेंट होता है। मार्क पे मैं नहीं कहता हूँ, सिस्टम का असेसमेंट जरूर उस पर होता है। जरूर मनीष, एक सेकंड मनीष से मैं इनफैक्ट पूछना चाहूंगी। मनीष, माधव जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं कि जब आपके पास बच्चे आते हैं इसके बजाय कि सिर्फ वो स्कूल से या कॉलेज से क्या सीख कर टेक्स्टुअली क्या सीख कर आए हैं, उसके बजाय आप ये सॉफ्ट स्किल्स देखना चाहते हैं, उनकी वो सिविक सेंस या फिर वो उनकी सेंसिटिविटी या फिर वो उनकी किस तरह की परसेप्टिवनेस है, उन चीजों पर ज्यादा शायद तवज्जो देना चाहेंगे। बिल्कुल, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, देखिए हम मरम्मत कर सकते हैं, हम रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन हम प्रिपेयर नहीं कर सकते। जो अच्छी व्यवस्था 12 साल में स्कूल को करनी होगी वो अगर उनको लैंग्वेज, राइटिंग, अरिथमेटिक और सॉफ्ट स्किल्स दे दें, बाकी जो लास्ट माइल स्किल्स हैं हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड में या तो उनको रिपेयर कर देंगे लेकिन हम प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि आजकल लोग कह रहे हैं कि हमारे स्कूल्स को वोकेशनलाइज करना चाहिए, लेकिन क्लास 10 इज ऑलरेडी द न्यू क्लास 8 और थोड़े दिन क्लास 12 विल बी द न्यू क्लास 10। सो स्कूल का रोल है बेसिक फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग दे दीजिए। द वर्ल्ड ऑफ वर्क्स कीप्स चेंजिंग, हम लोग उनको दूसरे जो लास्ट माइल स्पेसिफिक स्किल्स हैं वो स्कूल में नहीं होने चाहिए, वो दूसरी बात, वोकेशनल एजुकेशन और हायर एजुकेशन। लेकिन जो एग्जिट गेट है स्कूल का, अगर आप उनको स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन दे दें वो ही एम्प्लॉयर्स चाहते हैं। लेकिन लर्निंग और एम्प्लॉयबिलिटी में कॉन्ट्रडिक्शन है क्या? मैं इसमें एक और बोलना चाहती हूँ कि आप एक तरफ तो स्कूल की बात कर रहे हैं लेकिन जो लर्निंग स्कूल में होते हैं, जो स्किल्स स्कूल में सीखी जाती है, वही एनवायरनमेंट घर पे भी होना बहुत जरूरी है। यदि वहां पे वैल्यू सिस्टम्स अलग है और स्कूल जो वैल्यूज बता रहे हैं वो अलग है, तो फिर आपको वो बच्चा कभी भी सीखा हुआ नहीं आएगा। ही विल लर्न ओनली टू मैनिपुलेट बिकॉज ही विल लर्न हाउ टू पिट वन अगेंस्ट द अदर। यहाँ पर मैं आपसे, आप ही के पास आना चाह रही थी इनफैक्ट सिद्धार्थ, क्योंकि जहां से रेवती जिस स्कूल से है वहां पर पेरेंट्स का एंगेजमेंट काफी रहता है, लेकिन जिन स्कूल्स के साथ आप डील करते हैं वहां पर पेरेंट्स ज्यादातर टीचर्स के सामने बोलते भी नहीं है, वो अपने बच्चों के टीचर्स को इतना अपने से ऊंचा या ऊपर मानते हैं कि उनके सामने आवाज भी नहीं निकालते, कोई शिकायत भी हो तो भी वो उनके सामने दर्ज नहीं करवाते। आप किसी तरह से अपने इन इनिशिएटिव्स में, टीच फॉर इंडिया के इनिशिएटिव्स में पेरेंट्स को एंगेज कर पाए हैं किसी भी तरह से? वन, आई थिंक एक फंडामेंटल डिस्कनेक्ट है कि पेरेंट इज नॉट इन्वॉल्वड इन द चाइल्ड एजुकेशन रिगार्डलेस ऑफ वेदर द पेरेंट इज लिटरेट और इलिटरेट एजुकेटेड और नॉट, राइट? व्हाट वी सी इज अ लॉट ऑफ पेरेंट्स आर एक्सट्रीमली कीन इन द किड्स एजुकेशन। ये हो सकता है कि वो गलत चीज देख रहे हो, ये देख रहे हो कि किताब में नोट्स हैं कि नहीं और ये ना देख रहे हो कि बच्चा समझा है कि नहीं। बट टू मेक द अजम्पशन दैट द पेरेंट्स आर इंटरेस्टेड आई थिंक इज फ्लॉड। द अदर थिंग आई थिंक, वन सेकंड, अदर थिंग टू दैट इज दैट द अजम्पशन कि वही एनवायरमेंट घर पे सप्लीमेंट हो, आई एम सॉरी बट अ लॉट ऑफ अ किड्स डोंट हैव दैट लग्जरी। They are not coming from those homes. वो उन बस्तियों से आ रहे हैं जहाँ पे वो environment नहीं है उनके घर में, क्या उनके anything outside the school is not going to give them environment, and therefore that has to be supplemented within the school itself and within the classroom itself. Okay. And by that teacher. Rev teacher, कुछ add कर रहे हैं? थोड़ा मैं इसके बारे में बाद में कहना चाहूँगा जी। मेरा ये कहना है, I was just trying to say that it is not that parents are not concerned, but to be partners in education is very important. हमारी जो जो भी फिलॉसफी है वो दोनों को एक जैसा फिलॉसफी होना, इंटरेस्ट स्कूल के लिए भी वो है कि बच्चा अच्छा करे, पेरेंट के लिए भी मेरा बच्चा अच्छा करे, बट व्हाट वी नीड टू डू इज लॉन्च इट ऑन द सेम व्हीकल, देन द चाइल्ड इज सेफ। चलिए यहाँ पर इस सेशन को हमें क्लोज करना पड़ेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और जो हमारे मेहमान यहाँ पर हमारे साथ स्टूडियो में नहीं है, अमित कौशिक, मनीष सबरवाल, अरुण कपूर और साथ ही साथ माया मेनन, आप सभी का भी बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन बहरहाल अभी हमने काला अक्षर में सिर्फ एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद प्रदीप आपके साथ बने रहेंगे, मैं आपसे इजाजत लूंगी। और ब्रेक के बाद हम लौट कर किस तरह से हायर एजुकेशन में रिफॉर्म्स की जरूरत है और कैसे बच्चों की स्किल डेवलप की जा सकती है, इस मुद्दे पर हम थोड़ा और विस्तार से बातचीत करेंगे। बने रहिएगा हमारे साथ।
नेशनल मॉल पेंटिंग के फाइनल मुकाबले में लकी, पप्पू और छुटकाऊ ने हिस्सा लिया। जहां लकी ने चौक मिट्टी, पप्पू ने पीओपी, वहीं छुटकाऊ ने जे केवल पुट्टी का बेस बनाया और कम पेंट का इस्तेमाल करते हुए दीवार को सबसे स्मूथ और खूबसूरत फिनिश दिया और ये प्रतियोगिता जीत। वाइट सीमेंट वाली जे केवल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं होता, दीवारें बोल उठेंगी। Daughter Safari now will be 7.95 lakhs only. Run for greater prosperity, we will run for greater wealth, while other nations will look at